नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आज हो रहा है, आज मतदान हो रहा है। देखिए, जैसे ही सरगर्मी तेज होते गई, उसके बाद से ही प्रत्याशियों का दौरा जो है वो अलग अलग कॉलेजों में होने लगा, अलग अलग हॉस्टल्स में जाने लगे। कई तरह के वादे रहे, तमाम वादे फेल हैं या फिर उन वादों पे वो लोग उतरेंगे। इस पे बातचीत करेंगे तमाम जो लड़कियां हैं। ये बताइए, आज किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे आप लोग, वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? अरे यार छोड़। देखिए, तमाम जो लड़कियां आ रही हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी हमारी कि आज क्या मुद्दा क्या रहेगा। वोट करने जा रही जो लड़कियाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, आज का मुद्दा क्या रहेगा, आज वोट करने जा रही हैं? ये बताइए, आज का मुद्दा क्या रहेगा, लड़कियां वोट करने जा रही हैं, मुद्दा क्या है आज का? काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसपे काम करना अब कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़रूरी हो गया है। जैसे प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो काफ़ी कंपनीज को आनी चाहिए जो कि नहीं आती हैं पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। सो ये एक मुद्दा है। और फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो सेंट्रल लेवल का दर्जा जो पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक नहीं मिला है, वो मिलना काफ़ी आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए, अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग वादे करके आए थे, कई जगह बिरयानी का भी मामला सामने आया, कोई गुपचुप कोई आइसक्रीम भी फ्री करवा दे रहा था, रेस्टोरेंट तक फ्री हो जा रहे थे, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर उससे हट करके आप लोग मतदान करेंगे? उससे हट करके ही मतदान करना चाहिए, क्योंकि पैसे से आप वोट तो खरीद नहीं सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को के तरफ से अलायंस किया जा रहा है कैंडिडेट्स का, वो लोग को मतलब दिया जा रहा है पैसा या फंड दिया जा रहा है ये काम करने के लिए, लेकिन ये गलत है। इस प्रलोभन में तो स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये काफ़ी गलत है। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका, क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा मैंने बताया कि प्लेसमेंट्स का होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का दर्जा मिले, ये चीज़ ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम जो लड़कियां आ रही हैं, इनसे बातचीत करने की हमारी कोशिश रहेगी कि आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताइए, किन मुद्दों के साथ मतदान करने आप लोग जा रही हैं? भैया, मुद्दों के साथ तो नहीं जा रहे, एडवर्टाइजिंग के साथ जा रहे हैं। कैंडिडेट को मिलना चाहिए जी, जो डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, कई तरह के वादे करके प्रत्याशी आप लोगों के बीच आए थे, क्या उन वादों पे वो उतर पाएंगे या कई जगह रेस्टोरेंट कई तरह के जो इतना एडवर्टाइज किए हैं उन पे भरोसा कर रहे हैं कि वो पूरा करेंगे, अब ट्रस्ट ही कर सकते हैं। एक ट्रस्ट के साथ हम लोग भी वोट देंगे और एक ट्रस्ट के साथ वो लोग भी अपना निभाएंगे जो अभी। अच्छा, एक चीज देखा गया कि इस चुनाव में बिरयानी बटा, गोलगप्पे आइसक्रीम भी फ्री में मिले, कई जगह रेस्टोरेंट भी फ्री कर दिए गए थे, इस तरह के कई मामले निकल के आए। क्या वो रेस्टोरेंट फ्री कराना, वो गुपचुप फ्री कराना, वो आइसक्रीम फ्री कराना, उस पर काफ़ी हद तक सफल हुआ है भैया, बहुत लोग जाने हैं उनके बारे में। मेन मोटिव उनका यही था कि कैसे भी इनको पहुंच जाना है, तो वो जान गए उनके बारे में, सबके मुंह पे उनका नाम है, अपना नाम पहचाना, क्योंकि इतना सारा कैंडिडेट है तो कुछ करेंगे नहीं तो उनको कैसे लोग को याद होगा कि हाँ, जैसे आनंद मोहन उनका नाम बहुत फेमस हुआ, याद हो गया, इतना प्रचार किए आनंद मोहन याद हो गया। वो तो अलग की बात है, चुनाव के बाद जब काउंटिंग होगा, आज का राज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएँ, वो किन्हें वोट की हुई हैं, किए हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बस शाम का इंतज़ार है। देखिए, लड़की आ रही है, ये बताइए आज क्या मुद्दा क्या है वोट करने का? मुद्दा तो सबका एक ही है। क्या मुद्दा है? देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लड़कियां आ रही हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। कई तरह के वादे प्रत्याशियों ने किया है, क्या उन वादों पे उतरेंगे उन खैर कुछ और लड़कियां आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज मुद्दा क्या है मतदान करने का? इसे पूछ बताइए, वोटिंग। वोटिंग मतलब किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे, क्या सोच के वोट कर रही हैं? कॉलेज के लिए, पटना यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज में हैं और जो लड़कियां गेट से अंदर आ रही हैं, मतदान केंद्र के तरफ बढ़ रही हैं, उनसे बातचीत करने की हमारी कोशिश रही और ख़ास ये सवाल ज़रूर रहा कि किन मुद्दों के साथ आज लड़कियां मतदान कर रही हैं, लड़कियों का क्या कुछ कहना था, आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।